जब से पता चला है कि शक्तिमान मूवी में रणवीर सिंह होने वाले हैं, तब से कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इस कपड़ों की दुकान को क्यों शक्तिमान के रोल में ले रहे हो, दूसरे कोई एक्ट्रेस को कास्ट कर दो। जब मुकेश खन्ना ने शक्तिमान मूवी बनेगी उसका अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद हमें सोनी का लोगो जब देखने को मिला था तो लगा था कि ये मूवी मार्वल को टक्कर देगी, यानी कि हॉलीवुड के टक्कर की मूवी बनेगी। अच्छा, और मुकेश खन्ना ने भी बताया था कि इस मूवी को हम बहुत ही बड़े स्केल पर बनाने जा रहे हैं और इस मूवी का बजट भी 500 करोड़ प्लस रहने वाला है। लेकिन जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि रणवीर सिंह इस मूवी में शक्तिमान का रोल प्ले करने वाले हैं, तब से मूवी की चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है और नेगेटिविटी फैल रही है कि रणवीर सिंह इस मूवी में क्यों लिया है। कहीं से भी रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल के लिए फिट नहीं बैठ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो मैं इस कास्टिंग से हैप्पी हूं, क्योंकि रणवीर सिंह ऐसा बंदा है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है, उसको विलन का रोल या हीरो का रोल दोनों रोलों में फिट बैठ सकता है। अगर इस मूवी में सुपर हीरो के रोल में कहीं ना कहीं मेकर्स ने कुछ तो देखा होगा तभी उसको कास्ट किया है, लेकिन पिछली फिल्मों का रणवीर सिंह का हाल देखिए तो उतनी अच्छी नहीं गई है। और ये मेगा बजट की फिल्म में रणवीर सिंह को लेके मेकर्स ने रिस्क तो जरूर लिया है, लेकिन रणवीर सिंह एक ऐसा बंदा है कि वो कहीं से भी सरप्राइज हमें कर सकता है। बताया जा रहा है कि शक्तिमान मूवी की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इवन अभी इस मंथ ही शक्तिमान मूवी की शूटिंग शुरू हो सकती है, लेकिन उसकी दूसरी कास्ट का तो अभी पता नहीं चला है। और शक्तिमान मूवी की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। रणवीर सिंह अभी डॉन 3 की शूटिंग में व्यस्त है, डॉन 3 की शूटिंग अभी पूरी होने को है, उसके बाद तुरंत ही रणवीर सिंह शक्तिमान मूवी की शूटिंग करेंगे। तो आपको क्या लगता है, रणवीर सिंह शक्तिमान मूवी के लिए बेस्ट चॉइस है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।